सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सब लोग? आई होप कि गाइस आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो गाइस मैं आज आया हुआ था जयगांव में, क्योंकि जयगांव में मेरा थोड़ा काम था, अपना बेबी का थोड़ा काम था, इंश्योरेंस वगैरह का, तो वो सब पक्का हो गया। भाई कैसे ब्रेक कर रहा है गाड़ी, सारा ब्रेकर है माना भाई, लेकिन ऐसा ब्रेकिंग नहीं करना चाहिए भाई। आज हम लोग आए हुए थे जयगांव, एंड जयगांव से अभी निकल रहे हैं भाई। तब मैं आने का टाइम ब्लॉगिंग करूँगा सोचा था, पर ब्लॉगिंग नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा जो है थोड़ा डिले हो रहा था, थोड़ा जल्दबाजी में था मैं, इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था। तो अभी जाने का वक्त ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो बहुत दिन के बाद भी आया हूँ ब्लॉग करने के लिए, और कुछ बेसिक टॉपिक में आज बात करने वाला हूँ ब्लॉगिंग को लेके। तो अभी तो मेरा यूट्यूब चैनल में 600 सब्सक्राइबर चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्दी जो आप लोग मेरा 1K सब्सक्राइबर कम्प्लीट करा दो, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर कम्प्लीट करना भी बहुत ज़रूरी होगी हम लोग का भाई। बहुत दिन से यूट्यूब में है बट 1K सब्सक्राइबर अब तक कंप्लीट नहीं कर पाए, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग 1K सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट कर देना। तो इतना सा रिक्वेस्ट मेरा जो है आप लोग सुन लेना, जितने भी बंदे वीडियो देखते हो ना, अगर वीडियो अच्छा लग जा रहा है आपको तो आप ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना, ताकि हमारे आए दिन जो भी वीडियो हम पोस्ट करें वो उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास चले जाए। मैं तो सोचा था आते वक्त भी ब्लॉगिंग करूँगा, लेकिन क्या है कि थोड़ा इमरजेंसी पे था, थोड़ा डिले हो रहा था, जिस कारण से आते वक्त ब्लॉगिंग नहीं किया। सो अभी जाने के वक्त ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। हम लोग आए हुए थे भूटान गेट में, एक्चुअली भूटान गेट का सामने। सो यहाँ से तो पहाड़ दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा, नहीं कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, पर मुझे पूरा दिख रहा है पहाड़। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गाइस जितने भी बंदे देखते हो ना वीडियो को, सबके सब गाइस वीडियो को जो है ना लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो और बेल आइकन को ऑल पे किया करो, ताकि हमारे जो भी आए दिन वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए सबसे पहले। बहुत ब्रेकर है गाइस। और तो यार गर्मी, आज गर्मी का बात करूँ तो गाइस आज चल रहा है हमारे यहाँ पर 40 टेम्परेचर चल रहा है गाइस। मैंने फुल टैंक कराया था, थोड़ा इधर उधर घूमे थे हम लोग काम के जरिए से, जिस कारण से एक सेल कम हो गया। मैं बता दूँ आपको यार, इंडिया से बहुत सस्ता मिलता है फ्यूल यहाँ पर मिलता है 75 रुपीज़ ओनली गाइस, और इंडिया हमारे यहाँ पर चल रहा है अभी पता कितना, 106 रुपया गाइस, 106 रुपया चल रहा है यहाँ पर फ्यूल का रेट। टन में तेल का दाम कम है क्योंकि वहाँ पर टैक्स फ्री है गाइस, टैक्स नहीं लगता कोई भी, इस कारण से तेल का दाम ना भूटान में बहुत सस्ता है गाइस इंडिया से। इंडिया में मान लो 106 रुपया, तो यहाँ पर मान लो आपका 75 रुपया गाइस। इसका पहले एक बार बढ़ा रहा था, उस टाइम में 65 था, थोड़ा जो है बड़ा है, बट ये जो बड़ा है ना गाइस इससे कोई दिक्कत नहीं है, अपना इंडिया में जो बड़ा है ना गाइस उससे बहुत ही दिक्कत है, क्या ही बोलूँ मैं आप लोग को गाइस। अभी तो थोड़ा टेम्परेचर जो है कम हो गया भाई, जब हम लोग निकले थे, कसम से बोल रहा हूँ, इतना खतरनाक टेम्परेचर था भाई कि हम लोग का हालत ख़राब हो जाता है। इसी कारण से मैंने मोटो ब्लॉग नहीं किया। इंस्टाग्राम में जो भी फॉलो नहीं किए होंगे तो गाइस जाओ फॉलो कर लो, क्योंकि वहीं पर सब कुछ अपडेट आपको देखने को मिलेगा, और हम लोग अच्छे से रील्स भी पोस्ट करते हैं वहाँ पर गाइस, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे मानो तो। इंस्टाग्राम में ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लेना। बाकी सामने ना गाइस एक नाका भी आने वाला है, जो नाका ना भाई बहुत खतरनाक है, मुझे एक बार पकड़ तो लिया था लेकिन पकड़ाया मैं नहीं। और ये हाईवे है गाइस, और पसाका कोई चेक इन नहीं है, आज तो चेक इन नहीं है, लेकिन जब चेक इन होता ना भाई खतरनाक वाला चेक इन चलता है यहाँ पर यार। जयगांव में इतना भीड़ है ना गाइस, क्या ही बोलूँ, ट्रैफिक इतना भीड़ था, हालत पूरा ख़राब हो गया था, और गर्मी में इतना गर्मी में पूरा पसीना पसीना हो रखे हैं। हेलमेट के अंदर तो एक सेकेंड के लिए आप रह नहीं सकते, इतना गर्म है यहाँ पर। हेलमेट के अंदर रहना मतलब लग रहा है कि दम घुट रहा है गाइस। तो गाइस अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये है डुअर्स का एक खूबसूरती जगह जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और यहाँ का सीन जो है काफ़ी अच्छा है। पीछे का नज़ारा देख पा रहे हो आप लोग, इतना मस्त ग्रीनरी वाला सीन है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग के लिए एक सिनेमैटिक शॉट देने के लिए, आप लोग चेक करो वो सिनेमैटिक शॉट आखिरकार कैसा है।
फाइनली हम लोग यहाँ से निकल पड़े, एक दो सिनेमेटिक शॉट लिए आप लोग के और एक दो रील्स के लिए। सो अभी जो फ्लाइंग ओवर से हम लोग नीचे आ गए हैं अपना सिनेमेटिक शॉट लेके और थोड़ा सा रील्स के लिए फुटेज निकाले। भाई काफ़ी खूबसूरत है हमारा ये फ्लाइंग ओवर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हाशिमारा की तरफ। पता नहीं ब्लॉग कैसा बना या फिर कैसा बन रहा है, लेकिन मैं करूँगा आप लोग के लिए अच्छा है बनाने के लिए। बाकी मुझे तो पता नहीं ब्लॉग कैसा बन रहा है। 12 विशा 66 किलोमीटर, किसी को जाना है तो जा सकते हैं यहाँ से 66 किलोमीटर 12 विशा। तो ब्लॉग के लिए निकले नहीं थे, कुछ काम से निकले थे, लेकिन आप लोग के लिए प्यारा सा एक ब्लॉग भी शूट कर लिए। पता नहीं आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आएगा भी या नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आए, पसंद आए। सो गाइस अभी जाइए चैनल विकी रॉय WB राइडर में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस यहाँ से जो है तो ये अपना न्यू हाशिमारा, छोटा सा मार्केट है बट बहुत प्यारा है, यहाँ पर सामान वगैरह सब मिल जाएगा। सो प्लीज यार अभी भी बता रहा हूँ, फिर से एक बार बताऊंगा गाइस, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं है तो लाइक मत करना, बट पसंद आ जाए तो लाइक कर देना। अभी ये वाला वीडियो में आप लोग जो है थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं ये वाला वीडियो में आपको इतना ही बोलूँगा कि 50 लाइक कर देना, 50 सब्सक्राइबर और 50 कमेंट जरूर आना चाहिए गाइस, कर देना इतना। सो आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो का अच्छा तो वीडियो को लाइक करो। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलेंगे इसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल गाइस।